लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। पाकिस्तान में करीब 8 घंटे से वोटिंग जारी। ब्रेक करिए जरा। नवाज शरीफ, इमरान और मरियम ने वोट डाले। पीएमएलएन और पीपीपी के बीच कांटे की टक्कर। पार्टी पीटीआई से निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में। वोटिंग के दौरान हिंसा और आतंकी हमला। एक और बड़ी खबर, बड़ी खबर, वोटिंग के दौरान पाकिस्तान में आतंकी हमला। ब्रेक करिए जरा। खैबर पख्तूनवा के डेरा इस्माइल में आतंकी हमला। खैबर पख्तूनवा में पुलिस वैन पर बम से हमला। आतंकियों ने 30 मिनट तक पुलिस वैन पर की फायरिंग। शॉट्स प्लीज। आतंकी हमले में इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान में मतदान के दौरान एक और हमला। ब्रेक करिए। बलूचिस्तान के खारन में बम से अटैक। आतंकियों ने मतदान केंद्र को बनाया निशाना। धमाके में 2 पुलिस वालों की मौत, 5 घायल। आतंकियों ने पुलिस वैन पर भी की गोलीबारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, पाकिस्तान चुनाव में कई आतंकी उम्मीदवार। ब्रेक करिए जरा। नेक्स्ट ब्रेकिंग। सीधा आइए, आतंकी हाफिज सईद का बेटा भी प्रत्याशी। मरकाजी मुस्लिम लीग से तलहा सईद उम्मीदवार। हाफिज सईद की पार्टी है मरकाजी मुस्लिम लीग। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। सेना सर मौजूद है। सेना सर, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। बहुत सही फरमाया है। इलेक्शन तो है ही नहीं, इलेक्शन के नाम पे बहुत बड़ा धक्का है। प्रॉक्सी से पाकिस्तान सब चीज प्रॉक्सी में करता है। और देखिए 8 फरवरी का जो दिन था, जिसमें ये ऑलरेडी मुकर्रर है, नवाज शरीफ साहब तो आएंगे, ये तो जग जाहिर है, सबका आकलन यही कहता है, क्योंकि उनकी बैकिंग है वहां, आर्मी जिसको बैक करती है। और देखिए इमरान खान, मैं माफी चाहूंगा, शो का टाइम खत्म हो गया, लेकिन थैंक यू वेरी मच। इस वक्त एक और